अस्सलाम वालेकुम। कोर्स हम कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और उसमें हम कर रहे हैं बुक फॉलो डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मानो एंड आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट टुडे व्हिच इज टॉपिक 5.7 इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ दिस बुक। सो स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट रिडक्शन के ऊपर। मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में मोर और मेले मशीन्स के बारे में बात की, जो कि स्टेट डायग्राम्स के डिफरेंट दो फ्लेवर्स हैं। सो मैं आपके सामने वही बात कि हम हमेशा से ज़्यादातर मेले मशीन यूज़ करते हैं, तो मैं आपके सामने मेले मशीन की ही स्टेट रिडक्शन रखती हूँ। सो आपके सामने मैं एक बनाती हूँ, एक स्टेट डायग्राम बनाती हूँ, राइट, जिसको हम मशीन भी कहते हैं। स्टेट डायग्राम बनाती हूँ और उसमें आप खुद ही देखिएगा कि शायद आपको उसमें रिडंडेंसी नज़र आ रही है, जिसको कि आप रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो मैंने एक खुद से चुनी है एक ऐसी एग्जांपल, सो दैट दिस पॉइंट इज फर्दर हाइलाइटेड एंड वी कैन वर्क ऑन इट इवन इजी। सो ए क्या करता है, जीरो जीरो पे वो अपने ऊपर रहता है, वन वन पे वो डी पे जाता है, डी को मैंने भी छेड़ा, बी जो है वो जीरो पे वो ए पे जाता है और बी जो है वो वन के ऊपर जाता है सी के ऊपर। सो ये मैंने अभी पार्शल बनाई है, जो कि सी और डी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि दोनों एक जैसी हैं, इनको आपस में मर्ज किया जा सकता है या एक को दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, और ए और बी जो है वो हमारी मतलब जर्नल हमारी रिप्लेस नहीं हो सकती। ओके, सो मैं आप बल्कि जब मेरी वीडियो एंड हो जाए देन यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड यू कैन हैव अ लुक एट हाउ आई डिज़ाइन दिस, और मैंने जानबूझ के खुद से रिडंडेंसी इसमें डाली ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ओके, अब आप देखेंगे कि सी जो है वो जीरो पे जीरो आउटपुट देके, मतलब इनपुट आउटपुट सेम है और वो ए पे जा रहा है। आप डी को देखेंगे, डी भी वही काम कर रहा है। सो जीरो जीरो पे, जीरो पे वो जीरो ही आउटपुट दे रहे हैं दोनों, और दोनों ही ए पे लैंड कर रहे हैं, और जब वन आता है तो दोनों ही लेट्स से वन आउटपुट देते हैं और दोनों ही बी के ऊपर जाते हैं। सो अगर देखें तो सी और डी के ऊपर अगर आप लैंड करें और आप जाना चाहें तो दोनों एक ही जगह एक ही तरह से डिफरेंट इनपुट्स पे रिएक्ट करें। सो मे बी इट्स अ गुड आइडिया कि हम सी और डी को आपस में मर्ज कर दें, एक दूसरे से रिप्लेस कर दें। हाउएवर, क्योंकि ये छोटी स्टेट डायग्राम है, हम बाय ऑब्जर्वेशन इसको कर सकते हैं। जैसे ही हमारी डायग्राम्स बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी एक माइल्ड मीडियम साइज्ड एक आपकी स्टेट डायग्राम बनी हुई है, उसको जब आप सॉल्व करते हैं उसको शायद विजुअली करना इतना आसान ना हो। सो वी नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक मेथड, हमारे पास कोई ना कोई रिडक्शन मेथड होना चाहिए जिसको हम ऑटोमेटिक वे अप्लाई करते हुए या एल्गोरिथमिकली हम उसको रिड्यूस कर सकें। सो मैं अब क्या करूँगी, मैं इस स्टेट डायग्राम को अपनी स्टेट टेबल पे मैप करूँगी और मेरा स्टेट टेबल वैसे ही बनेगा जैसे कि मैं हमेशा से बनाती रही। सो मेरा स्टेट टेबल क्या बनेगा, प्रीवियस स्टेट फिर आगे मेरी नेक्स्ट स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट टेबल में आपके तीन कॉलम्स होंगे, प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आपकी आउटपुट। और अगर आपकी कोई इनपुट नहीं है तो आपके सारों में एक एक कॉलम होगा, अगर आपकी एक इनपुट है तो यहाँ पे एक कॉलम होंगे, यहाँ पे दो दो कॉलम्स होंगे, अगर आपकी दो इनपुट्स हैं तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे चार चार कॉलम्स होंगे, अगर आपकी तीन इनपुट्स हैं तो आपकी यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे आठ और यहाँ पे आठ कॉलम्स होंगे। इसी तरह से अगर आपकी आउटपुट्स में डिफरेंस है तो फिर आई थिंक क्या करना पड़ेगा, फिर आई थिंक आपको और डिफरेंट आउटपुट्स देखनी पड़ेगी, वाई क्या होगी और आपकी दूसरी जी क्या होगी, फिर आपके कॉलम्स पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ओके, सो प्रीवियस स्टेट्स कौन कौन सी, हमारे पास स्टेट्स हैं ए बी सी और डी। सो मैं आपके सामने वन टू वन मैपिंग है स्टेट टेबल से, हम पहले स्टेट डायग्राम पे जाते रहे, अब हम स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल पे भी वापस आ सकते हैं। इट्स वन टू वन करस्पॉन्डेंस, देर इज नो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक से दूसरे पे आप कन्वीनियंटली जा सकते हैं। सो ए पे आप स्टेशन है, जीरो इनपुट आ गया तो आपने क्या आउटपुट दिया, आपने जीरो आउटपुट दिया, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू जीरो एंड
जब इनपुट आ गया जीरो, आपने आउटपुट क्या दिया, आपने आउटपुट दिया जीरो, और आप कहाँ पे गए, आप वापस गए स्टेट ए के ऊपर। उसके बाद अगर आप ए का ही स्टेशन है और आपका वन इनपुट आ गया, वन इनपुट आ गया, तो आपने क्या आउटपुट दिया, आपने आउटपुट दिया वन, और आप कहाँ गए, सॉरी, आउटपुट दिया आपने वन और आप गए अपने स्टेट डी के ऊपर। इसी तरह से जब आप बी के ऊपर हैं, बी पे जब आपका जीरो आता है तो आप जीरो से क्या आउटपुट देते हैं, आप वन आउटपुट देते हैं, और आप जाते कहाँ पर हैं, आप लैंड करते हैं ए के ऊपर। बी में जब आप वन इनपुट देते हैं तो आपका क्या आउटपुट आता है, आपका जीरो आउटपुट आता है, और आप कहाँ लैंड करते हैं, आप सी पे लैंड करते हैं। सी पे आ जाएं, अगर आप सी पे, अगर आप जीरो पे हैं तो आप क्या आउटपुट दे रहे हैं, जीरो पे हैं तो आप जीरो आउटपुट दे रहे हैं और आप ए आउटपुट कर रहे हैं। सी पे अगर आप हैं और अगर आपका वन इनपुट आ रहा है तो आप वन आउटपुट कर रहे हैं और आप बी पे लैंड कर रहे हैं। डी पे अगर आप हैं और आपका जीरो इनपुट आ रहा है तो जीरो आउटपुट करके आप ए पे जा रहे हैं, और अगर आप वन आता है तो आप वन आउटपुट करके आप बी पे जा रहे हैं। अगर आप देखें इन इस टेबल को, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट को छोड़ के कोई ऐसी दो रोज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि सी और डी में सारा रिपीटेड पैटर्न है, ए ए बी बी जीरो जीरो और वन वन? सो इसका मतलब है कि हम सी को डी से या डी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? सो मैं क्या करती हूँ, मैं फिलहाल डी को कर देती हूँ सी को इक्वल, और इस सारे कहते हैं ना, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, यानी जहाँ जहाँ मेरा डी होगा वहाँ वहाँ मैं सी से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो मैं इसको कर देती हूँ सी। अब अगर आप देखें तो क्या कोई आपको मिल रहा है कोई ऐसी रो जो कि सेम हो, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ए ए सी सी, बट दे डिफर व्हेन इट कम्स टू द आउटपुट। सो इसका मतलब है कि हम स्टेट रिडक्शन सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारी स्टेट जो है उनके सेम स्टेट्स पे वो लैंड कर रही हों, और उन स्टेट्स पे लैंड करने के साथ साथ उनकी सेम आउटपुट्स भी हों, ओनली देन वी कैन मर्ज दोज टू ऑन दोज टू स्टेट्स। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें दो तीन मर्ज हो सकती हैं, एक बार होती है फिर दोबारा होती है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको प्रैक्टिस करें, और आपकी एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर लें। सो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू गो अबाउट डूइंग द स्टेट असाइनमेंट।